गाड़ी को तो लगा दिया लोडिंग पर, देखिए लोडिंग चालू भी हो चुकी है, लेकिन ना एक दिक्कत हो गई है। दिक्कत ये हो गई है कि हमारी गाड़ी का अल्टरनेटर खराब हो चुका है, तो गाड़ी को करीब 3 घंटे तक स्टार्ट रखना पड़ेगा जब तक गाड़ी लोड होगी। तो अभी रास्ता तरपाल तो अपने कर लिए जल्दी जल्दी में, और दिन भी छुप गया। देखिए अभी हाथ पे छाला कितना बड़ा पड़ा हुआ है, देख रहे हो। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू छोटे से ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी उधर सुबह के 7 और फाइनली हम महाराष्ट्र के अमरावती पहुंच चुके हैं। सामने देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है अमरावती, और यहीं पर हमारी गाड़ी हो रही है खाली। तो देखिए आधी खाली हो चुकी है, और सुबह सुबह हो गया था भाई पंगा, ये हो गया कि हम आ गए थे यहाँ पर 3 बजे और हमारी गाड़ी धक्का स्टार्ट होगी, मतलब 3 बजे हम पंखा चला के सोए थे, 6 बजे ये लोग हमें जगाने आए, देखा था धक्का स्टार्ट होगी, फिर हमने कप्पे वगैरह खोल के धक्का लगाया। अभी रैंप वगैरह पे खड़ी करके ऐसे ओट वगैरह लगा दिए जिससे गाड़ी ढलान में खड़ी है, और अभी अगर जैसे हम खाली हो जाएगी तुरंत फिर धक्के से कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों अभी फिर हम चाय बना लेते हैं, सुबह का टाइम है, चाय बना के फिर कुछ खाना पीना बनाएंगे। देखो भैया तैयारी कर रहे हैं चाय बनाने की, बर्तन वगैरह निकाल लें, ये देख रहे हो बन गई अपनी चाय, और आज के नाश्ते में रस्क लिए हैं हमने। तो ये नाश्ता करके फिर अपना खाना पीना बनाएंगे यहाँ से निकल के। हो गई गाड़ी खाली, बस कुछ कार्टून बचे हैं जो इसमें डाल रहे हैं ये लोग। और यहाँ पर देखिए पॉस एरिया है, तो यहाँ पर देखिए नो एंट्री है, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं से हम आपको बाहर निकाल देंगे। तो चलिए दोस्तों बाहर निकलते हैं यहाँ से, और किसी ट्रांसपोर्ट से फोन करते हैं, यहाँ तो कोई लोड मिलेगा नहीं तो फिर खाली यहाँ से सावधान चलेंगे। हम खाली करके सिटी से बाहर आ चुके हैं, देखिए बाईपास पे खड़े हुए हैं, सामने रोड देख सकते हैं ये वाला, और यहीं से फिर हम अकोला के लिए जा सकते हैं, अपना सावदा बुरहानपुर जहाँ भी जाना है यहाँ से जा सकते हैं। तो यहीं पर खड़े हुए थे ये पेड़ के नीचे देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने इतने बीच में खाना बना लिया। खाना देखिए आज हमने आलू की सब्जी बनाई है, बहुत ही बेहतरीन, देख सकते हैं कलर देख सकते हैं, और इधर बना दिया रोटी। तो दोस्तों एक चीज मैंने देखी है कि जो मीट मांस और जो चिकन मटन बनाते हैं उनकी वीडियो ज्यादा चलती है, वायरल होती है, जो सादा खाना बनाते हैं उनको कोई नहीं देखता क्योंकि वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। तो दोस्तों आप अनुमान लगाइए कि आज की दुनिया में क्या हो रहा है। तो रात को मैंने एक रील देखी थी जो कि मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ, चलिए पहले आप ये रील देखिए। सीधी बात है, आप रहते कलयुग में हो और पालन करते हो सत्ययुग का, कलयुग को ये बात अच्छी लगेगी? नहीं लग सकती। तो कलयुग क्या करता, अब वो आप पर कुछ प्रहार तो कर नहीं सकता, तो वो क्या करता है, कलयुग का पालन करने वाले लोगों को सुंदर बना करके, सुखी बना करके आपको दिखाता है कलयुग। देख मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला, उल्टे सीधे काम करने, देख कितना सुखी घूम रहा है, और तू देख राम राम जपता है फिर भी कितना दुखी है। आपके मन में संशय प्रकट होता है, और ये संशय कौन प्रकट करवाता है, कलयुग ही करवाता है। इसलिए वो उन लोगों को सुखी दिखाता है, वो है नहीं सुखी, महादुखी है वो लोग, पर आपको ऐसा दिखवाता है कि देखो मेरे नियमों का पालन करने वाले कितने सुखी, और तुम सबरे सत्य त्रेता द्वापर का पालन करते हो कितने दुखी हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये रील आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और जो बंदा देखता है वही सुनता है वही करता है। हमारा ब्लॉग जो है बच्चे भी देखते हैं, लेडीज भी देखती हैं, बड़े भी देखते हैं, तो उस हिसाब से हम वही दिखाते हैं जो अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों अभी हम खाना नहीं खा रहे, यहाँ से ऐसे ही निकल रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, कहीं रस्ते में नहाएंगे या कहीं नहर वगैरह पड़ेगी, होटल तो इस पर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये रोड सिंगल है, तो इस पर होटल तो हम पड़ता नहीं, इसलिए खाना ही बनाया। तो यहाँ से निकल रहे हैं और कहीं खाना खाएंगे रस्ते में। दोस्तों कहानी में एक ट्विस्ट आया है, अभी मैं यहाँ से रोड से निकल के जा रहा था, ये देख लीजिए इधर जा रहा था उधर, तो यहाँ पर मेरा थोड़ा अल्टरनेटर काम करना ऐसे ही कर रहा है, मतलब कर रहा है कभी नहीं कर रहा, तो मैं रुक गया इधर। तो यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट है देख सकते हैं, ये देख रहे हो ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, ये और ये वाली ट्रांसपोर्ट है। तो इन्होंने मेरे को पूछा क्या दिक्कत होगी, मैंने कि अल्टरनेटर काम नहीं कर रहा है, तो बोल रहे कि किधर जा रहे हो खाली, मैंने कि मैं जा रहा हूँ बुरहानपुर, बोले उधर जा रहे हो सावदा साइड तो हमारा माल डाल के ले जाओ इधर से, बोले मैंने क्या है कि MIDC अमरावती से लोडिंग है जलगांव की, तो अभी चल रहे हैं फिर उसी को लोड करने के लिए, अभी बातचीत हो गया है, भाड़ा वाड़ा वहाँ लोड करने के बाद ही पता चलेगा क्योंकि वजन से ही पता चलती है, ये लोकल के भाड़े जो होते हैं वजन से ही जाते हैं। दोस्तों कंपनी पे पहुंच चुके हैं अपनी, और सामने कांटा कांटा करा लेते हैं खाली गाड़ी का। नादिया भाई रास्ता देखिए एक बार कैसी रास्ता है, और ये देखिए फेयर हाउस है कोई, इसमें से लोड होगा पता नहीं, अभी माल क्या है तो हमें भी नहीं पता है। गाड़ी को तो लगा दिया लोडिंग पर, देखिए लोडिंग चालू भी हो चुकी है, लेकिन ना एक दिक्कत हो गई है। दिक्कत ये हो गई है कि हमारी गाड़ी का अल्टरनेटर खराब हो चुका है, तो गाड़ी को करीब 3 घंटे तक स्टार्ट रखना पड़ेगा जब तक गाड़ी लोड होगी। तो भाई अब नुकसान तो हो गया, अब यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा भी नहीं है कि गाड़ी को बंद कर दो फिर स्टार्ट हो जाए, हालांकि वो ट्रैक्टर वगैरह है JCB टाइप का, लेकिन वो उससे कह रहे हैं कि उससे धक्का मारेंगे नहीं हम। तो चलिए हमारी गाड़ी में क्या लोड हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये तूड़ी होती है ना तूड़ी, ये तूड़ी जो भूसा टाइप का होता है, ये मूंगफली का, वो उसका ये लोग इस मशीन द्वारा क्या बनता है वो मैं दिखाता हूँ आपको।
ये जो रहता है ना गोल गोल गट्टा सा लकड़ी का जलाने के काम जो आता है ये वाला, ये देखिए ये। दोस्तों अभी टाइम हो गया 2:15 का, अब जाके हम खाना खा रहे हैं देख सकते हैं। और कितना लेट खाना हो गया आज का, कुछ पूछो मत, इधर तो भागा दौड़ी हो गई ना, अभी ट्रांसपोर्ट बजाना, वहाँ से फिर करीब अकोला रोड पर भरने के लिए आए तो लेट हो गया आज खाने को। चलिए खाना खा लेते हैं पहले जल्दी से, गाड़ी की लोडिंग देखते हैं, उसमें बत्ता बत्ता लगाना होता है, निकालना होता है। गाड़ी अपनी लोड हो चुकी है लेकिन हम वजन चेक करने हैं कितना आया है, तो अभी यहाँ पर चेक किया हमने 16 टन वजन आया अभी तो हमारी गाड़ी में, फिर और जा रहे हैं वहाँ भरने के लिए। हमारी गाड़ी को यहाँ से और वहाँ लगा दिया है और देखिए जेसीबी से माल ऊपर डाल रहे हैं वजन पूरा करने के लिए देख सकते हैं। और बादल देख रहे हो पूरे बारिश वाले हो रहे हैं, थोड़ी देर में मुझे लग रहा है बारिश आ जाएगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तिरपाल हो जाता ज़्यादा अच्छा है। देखिए किस तरह माल डाल रहे हैं, लास्ट बकेट डाल रहे हैं और उसके बाद अपनी हो जाएगी गाड़ी लोड। और दोस्तों अभी 4 से 5 घंटे हो गए गाड़ी को स्टार्ट करी है, इधर तो 1000-2000 का तेल ही तेल जल गया। तो चलिए दोस्तों अब कर ही क्या सकते हैं, अब कर लेते फिर रास्ता तिरपाल और निकलते हैं यहाँ से कांटा करा के। तो अभी रास्ता तिरपाल तो अपने कर लिए जल्दी जल्दी में, और दिन भी छुप गया। देखिए अभी हाथ पे छाला कितना बड़ा पड़ा हुआ है देख रहे हो ये, और लोग ऐसे ही कह देते हैं कि भाई हराम का पैसा है, अंधा कमा रहे हो, झूठ बोल के कमा रहे हो। भाई मेहनत का पैसा, कितना मेहनत करते हैं आप देख रहे हो ना, पसीना देख रहे हो ना। तो चलो दोस्तों अभी पेपर का वेट कर रहे हैं, पेपर मिलते हैं यहाँ से निकलेंगे। तो देखिए दोस्तों हमको पेपर मिल चुका है और हमारी गाड़ी में जो वजन आया था वो 20 टन आया था, और यहाँ से जो हमारा भाड़ा लगा था वो लगा था 70 रुपये, यानी कि 7 या 10 टन का, 20 टन हो गया 14,000 रुपये। इतना ही हैदराबाद से यहाँ का लगा था, मतलब हैदराबाद से यहाँ लगा था कम से कम 650-650 किलोमीटर, और इधर से 200 किलोमीटर का उतना ही लगा देख रहे हम तक। चलो जो भी है ठीक है, अब निकलते हैं यहाँ से, पेपर तो मिल गए और अल्टरनेटर ख़राब है रास्ते में, कोई अगर मिलेगा तो ठीक है, नाइट का टाइम वैसे मुश्किल ही मिलेंगे, देखेंगे कहीं मिलेगा तो नहीं तो जलगांव जाके ही कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट नगर वगैरह में सो जाएंगे, वहाँ जाके करा लेंगे। ये दोस्तों अभी टाइम हो गया 10 बजे का और मैं पहुँचा हूँ अकोला पार करके एक ढाबे पर। तो यहाँ पर रोटी तो मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे आ रही बहुत तेज़ भीड़, भैया खाना खाने गए तो यहाँ से फिर भैया गाड़ी चलाएंगे। बारिश जहाँ से मैं लेके चलाऊँ गाड़ी बंद ही नहीं हो रही है, हमारी गाड़ी की लाइट तो चली नहीं रही है, दूसरी गाड़ी के पीछे चलना पड़ रहा है। दोस्तों 125 किलोमीटर सफर बचा है, 2-3 घंटे आराम से पहुँच जाएंगे और जलगांव पहुँच करके जलगांव के ट्रांसपोर्ट नगर में गाड़ी को लगा देंगे, सुबह अल्टरनेटर खुलाएंगे, अपना काम करेंगे, फिर खाली कराने जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मैं लाइक करके कमेंट करके बताना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।